कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ। ये वीडियो मुस्लिम लीग के एक इजलास की अंदरूनी कहानी है। पंजाब हाउस में मुनक़दा एक इजलास में मियां नवाज शरीफ, वफाकी वज़रा और मरियम नवाज वहाँ जलवा अफरोज़ हैं। तो वहाँ पे खानेवाल से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुस्लिम लीगी रहनुमा राना अब्दुलरहमान साहब मियां साहब को मुखातिब करके फरमाते हैं, जिस तरह कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी सर, इसी तरह आज इस मुल्क को, इस कौम को आपकी ज़रूरत थी। और जिस तरह उनके साथ मादरे मिलत फातिमा जिन्ना ने साथ दिया था, इसी तरह मेरी बहन और दुख्तरे पाकिस्तान मरियम नवाज शरीफ आज आपके शाना बशाना खड़ी है। और हम इंशाल्लाह दुआ गो हैं अल्लाह ताला आपको और हमारी बहन को और हिम्मत और जुरत। अफसोस इस पे हुआ कि हमारा माशरा जो है वो शख्सियात परस्ती से अभी तक नहीं निकल सका। बड़े सगीर की एक तारीख है, लेकिन वहाँ पे जो ये बड़े बड़े हमारे रहनुमाएं वो तालियां बजा रहे थे। और मुझे इस बात पे भी शदीद दुख हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब को उसकी मजम्मत करनी चाहिए थी, उस कारकुन को डांटना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक इंसान की ज़हनी और इखलाकी सतह और उसकी इल्मी मियार ये है कि वो जब उसकी खुशामद और इज़्ज़त में तमीज़ कर सके। तो हमारे अक्सर रहनुमा इस तमीज़ से महरूम रहते हैं। हमारी सियासी जमातें, अभी शायद अवान साहब हमारे दोस्त फरमा रहे थे, एक मुस्लिम लीग पे ही नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों का कल्चर ऐसे हो चुका है कि ये एक फैन क्लब है, ये खुशामदी ग्रोह हैं, ये अजमन सतश बामी है, और जो इनकी लीडरशिप ये कहती है कि हम नज़रियाती हैं, वो खाक नज़रियाती हैं कि अगर वो खुशामद और तारीफ में फ़र्क ना कर सके और सियासत से बढ़ के बारियाने पाकिस्तान और मुस्लिम लीग जिसकी वारिस होने की दावा करती है। हमारे रहनुमा अक्सर 14 अगस्त पे कायद आज़म के योम वफात पे और ये अक्सर पैगाम देते हैं कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अमली सिपाही हैं, अदना सिपाही हैं। तो जब ये इतनी बड़ी बात दोहराई जा रही थी तो एक दफ़ा फिर उन्हें ये तजदीद करनी चाहिए थी कि मैं वहाँ से रहनुमाई लेता हूँ। क्या ही अच्छा होता कि मियाँ साहब ये कहते कि मैं उनका अदना सिपाही हूँ। लेकिन मियाँ साहब को आज ख़तरा ना सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और दीगर चीज़ों से नहीं बल्कि इस चीज़ से भी ख़तरा है कि वो खुशामदी लोगों के नरगे में और बाहर महल से बाहर आम आदमी के क्या हालात हैं और अंदर जो कनीज़े हैं, जो ग़ुलाम हैं, उन्हें खुशामद की महल और पहाड़ बना के उन्हें नेल्सन मंडेला के बराबर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से तशबीह दे रहे हैं।